लेक्चर 7 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु वॉज द फाउंडर ऑफ तत्वाबोधनी सभा। तत्वाबोधनी सभा का फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे देवेंद्र नाथ टैगोर। देखते हैं यहाँ पे, देवेंद्र नाथ टैगोर वॉज द फाउंडर ऑफ तत्वाबोधनी सभा। तत्वाबोधनी सभा जो थी ये फाउंड हुई थी 1839 में, अलॉन्ग विद इट्स ऑर्गन तत्वाबोधनी पत्रिका इन बंगाल वॉज डिवोटेड टू द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडियन पास्ट विद रैशनल आउटलुक एंड टू द प्रोपोगेशन ऑफ राम मोहन आइडिया। देवेंद्र नाथ टैगोर गेव ए न्यू लाइफ टू ब्रह्मो समाज एंड डेफिनेट फॉर्म एंड शेप टू थीसिस्ट मूवमेंट। तो तत्वाबोधनी सभा जो थी ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने फाउंड की थी 1839 में, और ये किसके लिए थी? ये सिस्टमेटिक स्टडी थी इंडियन पास्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखना, पहला पॉइंट है अगर आपको कोई बोलता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो गवर्नर जनरल इंडिया के फर्स्ट थे विलियम बेंटिक। बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई बोलता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहाँ पे इंडियन बताना है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे सी राजगोपालाचारी। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सी राजगोपालाचारी। ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल भी हैं ये, सबसे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अंटिल इट बिकम ए रिपब्लिकन। ही आल्सो सर्वड एज द हेड ऑफ INC, INC के हेड भी रहे, मद्रास प्रेसिडेंसी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, वेस्ट बंगाल के गवर्नर, इंडियन यूनियन होम अफेयर मिनिस्टर भी रहे, मद्रास के स्टेट CM भी रहे, फर्स्ट भारत रत्न अवार्डी थे। इनके साथ साथ किसको अवार्ड मिला था? सी राजा गोपालाचार्य को 1954 में भारत रत्न मिलता है, CV रमन को भारत रत्न मिलता है 1954 में, और एस राधा कृष्णन को भी मिलता है। और ये इनका बहुत इम्पोर्टेंट इंस्पायर थे ये दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी के से, ए ग्रुप ऑफ 100 मैन लेड बाई सी राजगोपाले मार्च टू वेदरनायम एंड एक्सट्रैक्टिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर इन अप्रैल 19 टू ब्रेक द साल्ट लॉ इम्पोज बाई द ब्रिटिश। ही बिगेन हिज मार्च फ्रॉम तिरुची से इन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब दांडी मार्च साउथ में, दांडी मार्च किसने स्टार्ट किया था? सी राजगोपालाचार्य ने किया था। कहाँ से? तिरुची से लेके वेदरनायम तक। द साल्ट सत्याग्रह वाज एन एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडेंस लेड बाय महात्मा गांधी टू प्रोटेस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट, डैश वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे इनमें से? चंद्रशेखर आज़ाद। HRA से वाज रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी HSRA किस कब? 1928 एट फिरोज शाह कोटला न्यू दिल्ली बाय चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव एंड अदर्स। तो स्टेट ऑब्जेक्टिव क्या था इसका HRA का? फेडरेशन रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो नोन एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। आफ्टर भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड राजगुरु वर हैंग्ड इन मार्च, हेंस HRA वाज आल्सो एंडेड इन 1939 में, इसका एंड भी हो गया। 20 लीटर एक मिक्सचर है जिसमें 20% अल्कोहल है और रेस्ट वाटर है। इफ 4 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन न्यू मिक्सचर विल बी, इसका करते हैं हम पहले, सबसे पहले बोल रहा है 20 लीटर एक मिक्सचर है उसमें 20% अल्कोहल है, तो 20% ऑफ
200 कितना हुआ, 20 × 20/100, ये 4 लीटर, 4 लीटर उसमें अल्कोहल है, ठीक है, ओके, 4 लीटर अल्कोहल है। अब नेक्स्ट है, 4 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट, द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, तो पहले 20 लीटर था, 4 लीटर और पानी डाल दिया, टोटल मिक्सचर हो गया 24, तो 4 लीटर उसमें अल्कोहल है, 4/24 × 100, 4 लीटर क्या है अल्कोहल है, टोटल हो गया है अब कितना, 24 × 100, ये आ जाएगा 6, और यहाँ पे 2 के टेबल में ये आ गया 50/3, 50/3 को क्या लिख सकते हैं, 16, 2/3, ये आ जाएगा इसका सी बी पार्ट आंसर। तो क्या था, इसमें 20 लीटर मिक्सचर है जिसमें 20% अल्कोहल है और रेस्ट वाटर है, तो 20% अल्कोहल कितना हो गया, 4 लीटर अल्कोहल है, और उसमें 4 लीटर और पानी डाल दिया, तो 4 लीटर अल्कोहल है 24 लीटर सोल्यूशन में, 4/24 × 100, तो निकल जाएगा 16, 2/3। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।